अंतर्गत लहरियासराई थाना अंतर्गत अपराध दो वांछित अभियुक्तों को आर्म्स के साथ की गई गिरफ्तारी। लहरियासराई थाना क्षेत्र के अभंडा में दिनांक 27/7/2024 के रात्रि करीब 11:15 अमर सहनी पिता हरि सहनी बाकरगंज अभंडा सहनी टोला थाना लहरियासराई जिला दरभंगा को मोहम्मद अकबर पिता इस्माइल बाकरगंज थाना लहरियासराय जिला दरभंगा के द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जान से मारने की नीयत से गोली फायर किया गया, जिसमें अमर सहनी बाल बाल बच गए। इस फायरिंग के कारण दो समुदायों में तनाव भी उत्पन्न हो गया। उक्त घटनास्थल पर से एक खोखा भी बरामद किया गया था। उप संबंध में वादी अमर सहनी के टंकित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। अनुसंधान के क्रम में लहरियासराय थाने के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों के द्वारा इस कांड के मुख्य अभियुक्त मोहम्मद अकबर पिता इस्लाम मोहम्मद अभंडा बागरगंज थाना लहरियासराय जिला दरभंगा को घटना में इस्तेमाल किए गए पिस्टल के साथ एवं उसके सहयोगी साथी केशव कुमार कश्यप दरभंगा जिला के लहरियासराय थाना अंतर्गत दिनांक 27/7/2024 की एक वारदात है, जिसमें कि रात्रि करीब 11:15 के आसपास में अमडंडा जो क्षेत्र है वहाँ पर एक वारदात हुई थी, जिसमें कि गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। इसके तुरंत उपरांत उन्होंने एक टीम का गठन किया था और वहाँ पर जो थाने की पुलिस थी जो हम DSP सदर भी थे वो जाकर वहाँ पर पहुँचे थे और पूरी स्थिति का जायज़ा लिए थे। घटना की हमने और छानबीन की तो इसमें ये चीज़ स्पष्ट हुई थी कि जो वादी हैं अमर सहनी के घर के बाहर ही कुछ पानी गिरा हुआ था और पानी गिरने के कारण जो ये अभियुक्त हैं जिसका नाम है अकबर और इसके साथ के जो अन्य साथी हैं इनकी बाइक फिसल गई थी। जब इनकी बाइक फिसल गई थी तो इसके कारण ही उन्होंने विवाद उत्पन्न किया था और जो वादी हैं अमर सहनी उनके साथ मारपीट कर दी। जब थोड़ा बात और बढ़ी तो इन्होंने हथियार निकाल के एक गोली भी फायर की। इसमें जो मेन अभियुक्त जो थे वो अभी तक जो गिरफ्तार नहीं हुए थे, उसका नाम था मोहम्मद अकबर और एवं उसके ही साथी जो है केशव कुमार कश्यप, ये दोनों ही जो है वो दरभंगा के रहने वाले हैं और अमडंडा के रहने वाले हैं। इनकी ये अभी गिरफ्तारी अब तक वांछी चले आ रहे थे। इससे पहले एक व्यक्ति है जो वो गिरफ्तार हो चुके हैं। आज इन दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें इनके पास से जो है एक जो पिस्टल था जिससे इन्होंने फायरिंग की थी उसको भी रिकवर किया गया है, एवं मोबाइल जो था जिसके उस घटना के समय इनके पास था और जिसे इन्होंने अपने अन्य साथियों को फ़ोन करके बुलाया था वो भी इन्होंने बरामद किया है। आगे हमने और छानबीन किया तो इनके आपराधिक इतिहास का भी अवलोकन किया गया। जो मोहम्मद अकबर है उनका पूर्व से भी आपराधिक इतिहास है, पूर्व से भी उनके ऊपर जो है चोरी के और गृह भेदन के केस हैं और इसके अलावा जो भी आपराधिक इतिहास है अन्य थानों से और अन्य जिलों से उसको भी अभी खड़ा लगा रहे हैं, उसमें आप लोग सूचना दे दी जाएगी। पिस्टल जो है ये मतलब विदेशी जिसे कहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से निर्मित किया गया है वो विदेशी जो पिस्टल होता है उसके मॉडल पर उसको बनाया गया है और उस तरह की पिस्टल इन्होंने घटना में इस्तेमाल कर दिया था और अभी कुछ दिनों पहले ही लगभग 35,000 रुपये में हमने इस पिस्टल को खरीदा। उस बात की कोई सूचना नहीं। सर इन्होंने बताया ये पिस्टल कहाँ से खरीदे, कहाँ से उन्होंने उसको उसके बारे में उन्होंने बताया है और आगे कार्रवाई। सर ये पिस्टल के साथ पकड़ा है, 1 महीने बाद पकड़ा है, क्या योजना था इस इतिहास को अंजाम देता के? जो पिस्टल रखने का कारण जो अभी तक स्पष्ट हुआ है वो है दहशत फैलाना और अपना वर्चस्व जमाना, इसी के लिए ही ये पिस्टल लेके घूमता है और जब ये समय समय पर जरूरत पड़ती है गोली भी फायरिंग भी कर देता है। कई बार सूचना पब्लिक जो है पुलिस को भी नहीं देती है, कई बार डर के मारे ये चीज़ सूचना नहीं दी जाती है, यही इसका मुख्य तरह से मॉडल रहता है। अन्य की अपराधी गतिविधियों में भी कई बार शामिल होना इसके बारे में द्वारा बताया गया है, इसमें कि अभी और हम लोग बात करेंगे और अगर कोई इस तरह की गतिविधि उसने पहले की तो इसमें अपराध नहीं रजिस्टर हुआ था उसके लिए हम छानबीन करेंगे।